सब्सक्राइब कीजिए इंटरेस्टिंग टेक चैनल को, बेल आइकन को दबाइए इंटरेस्टिंग टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों हवावे करी जा रहा है मार्केट के अंदर कमाल पे कमाल और ले आया है ऐसे में अपना हॉनर नाइट लाइट जो कि काफ़ी अच्छा बजट मोबाइल फ़ोन होने वाला है मेरे ओपिनियंस के अंदर। तो इस वीडियो को देखते रहे क्योंकि मैं आपसे इस बारे में बात करने वाला हूँ। तो दोस्तों मेरा नाम है इम्तियाज़, आप देख रहे हैं इंटरेस्टिंग टेक चैनल, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों बात कर लीजिए हवावे के हॉनर 9 लाइट के बारे में, जिसकी जो स्पेसिफिकेशन है वो है हवावे के 7X की तरह ही। प्रोसेसर की बात कर लीजिए तो उसके अंदर आपको देखने को मिल जाता है करीन का 659 जो कि काफ़ी अच्छा प्रोसेसर है, बेस है 12 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी के ऊपर। ऑक्टा कोर प्रोसेसर है, इसके अंदर आपको जो चार हाई कोर्स देखने को मिल जाती हैं वो काम करती हैं 2.36 गीगाहर्ट्ज़ के ऊपर, और जो बाकी चार कोर्स हैं वो काम करती हैं 1.7 गीगाहर्ट्ज़ के ऊपर, और बेस है कोर्टेक्स A53 के ऊपर। बात कर लीजिए इसके अंदर यूज़ होने वाले GPU की, तो आपको सेम मिलता है 7X की तरह ही जो कि है माली का T830 जो कि काफ़ी अच्छा GPU है इस प्राइस रेंज के अंदर। बात कर लीजिए इसके इंटरनल की, तो वो भी आपको सेम देखने को मिलती है 7X की तरह ही, जिसके अंदर जो 32GB वेरिएंट है वो आपको मिल जाता है 3GB की रैम के साथ में, और जो 64GB वेरिएंट है वो आपको मिल जाता है 4GB रैम के साथ में। तो सेम आपको देखने को मिलता है 7X वाला ही इसके अंदर भी। दोस्तों बात कर लीजिए इसके चार कैमराज के बारे में जो कि आपको देखने को मिल जाते हैं दो बैक और दो फ्रंट के ऊपर। तो इसका जो बैक कैमरा है उसके अंदर आपको देखने को मिल जाते हैं 13 मेगापिक्सल के साथ 2 मेगापिक्सल का कैमरा, जिससे आप ले सकेंगे पोर्ट्रेट मोड की पिक्चर ऐसा कहता है हवावे, मगर जो 2 मेगापिक्सल का है वो इस काम के अंदर परफेक्ट नहीं रहता। मैं आपको एक पिछली वीडियो में भी इसके बारे में बता चुका हूँ कि जो 2 मेगापिक्सल का कैमरा है वो जस्ट हवावे ने एस शो के लिए लगाया हुआ है, क्योंकि 2 मेगापिक्सल का कैमरा है वो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता। सेम ही आपको यही चीज़ देखने को मिल जाती है फ्रंट के ऊपर, जिसके अंदर आप ले सकेंगे सेल्फीज़, और हवावे कहता है कि इसके अंदर भी पोर्ट्रेट मोड काम करेगा काफ़ी अच्छे से। अब देखते हैं कि ये सॉफ्टवेयर के थ्रू हवावे इस चीज़ को करेगा, जाहिर सी बात है क्योंकि 2 मेगापिक्सल का कैमरा इतने अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाता। बात कर लीजिए इसके सेंसर्स की, तो आपको इसके अंदर देखने को मिल जाते हैं वही ट्रेडिशनल सेंसर जो कि सभी आपको बजट रेट्स के अंदर मोबाइल फ़ोन के अंदर देखने को मिल जाते हैं। मिल जाता है आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर इसकी बैक के ऊपर। फास्ट चार्जिंग को इसके अंदर इंक्लूड नहीं किया गया क्योंकि एक बजट मोबाइल फ़ोन है और हवावे भी नहीं चाहता कि अभी वो इस चीज़ को लेके आए अपने बजट स्मार्टफोन के अंदर। दोस्तों बात कर लीजिए इसकी प्राइस की, तो आपको प्राइस देखने को मिल जाती है इसकी 25,000 जो कि 1,000 कम है हवावे के 7X से। तो बस यही दोस्तों पूरी बात, मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप बाय करें हवावे के इस हॉनर 9 लाइट को जो कि काफ़ी अच्छा मोबाइल है एज़ कम्पेयर टू 7X, क्योंकि आपको कैमरा इसके अंदर काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाता है उसकी बनिस्बत, क्योंकि उसके अंदर आपको जो फ्रंट कैमरा है वो देखने को मिल जाता है 8 मेगापिक्सल का, मगर इसके अंदर है 13 मेगापिक्सल का। साथ ही साथ जो एंड्रॉयड वर्जन है वो भी आपको अपग्रेड मिलता है। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप बाय करें हॉनर 9 लाइट को, कि काफ़ी अच्छा मोबाइल फ़ोन है और आपको इसके अंदर 1,000 का बचत भी हो रही है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।